दोस्तों यदि आप भी YouTube को डेली इस्तेमाल करते हो तो आज के इस वीडियो में हम आपको YouTube के कुछ ऐसे हिडन सेटिंग के बारे में बताने वाले हैं जिसे यूज़ करने के बाद आप अपने फ़ोन की बैटरी को लंबे समय तक चला सकते हैं और आप अपने YouTube से ही इंटरनेट को भी लंबे समय तक चलाने वाले हैं। तो आप लोग YouTube तो डेली इस्तेमाल करते ही रहोगे, लेकिन आप सभी लोगों को नहीं पता होता है कि YouTube के अंदर कौन सी हिडन सेटिंग होती है जिससे हम अपने फ़ोन की बैटरी को प्लस इंटरनेट को बचा सके। तो यहां पर वो करने के लिए आप सब लोगों को इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि आप कैसे अपने YouTube के मदद से अपने फोन की बैटरी और इंटरनेट दोनों को बचाने वाले हो। उसके लिए इस वीडियो को कंटिन्यू देखना, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही नए नए वीडियोज आपको डेली हमारे इस चैनल पर देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब YouTube का जो पहले नंबर का सेटिंग है उसके बारे में बात करते हैं। अब जैसे ही आप अपने फ़ोन के अंदर YouTube को ओपन करते हो, आप ऊपर की तरफ ऐसे वीडियो को स्लाइड करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, वीडियो यहाँ पे प्ले हो जाता है। आप वीडियो को प्ले नहीं करते हो, लेकिन फिर भी क्या होता है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली वीडियो प्ले हो जाता है। और आपको भी पता है जैसे ही वीडियो प्ले होता है आपका जो इंटरनेट है वो और फ़ोन की बैटरी दोनों यूज़ होने लगता है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर इसी प्रकार से आप नीचे की तरफ आओगे तो कोई वीडियो रहेगा, आप ऊपर की तरफ स्लाइड करोगे और ऑटोमेटिकली क्या होता है, यहां पर वीडियो प्ले होने लगता है और आपको पता भी नहीं चलता है कि यहां पर आपका इंटरनेट यूज हो रहा होगा। तो आप एक बार यहां पर इंटरनेट बंद करके देखिए, एक भी वीडियो यहां पर वीडियो प्ले नहीं होगा, एक भी वीडियो चलेगा ही नहीं, प्ले होने की बात ही छोड़ो। तो यहां पर आपका इंटरनेट भी यूज हो रहा है, प्लस जब वीडियो यहां पर चल रहा है तो आपके फोन की बैटरी भी यूज हो रहा है, यानी कि दोनों यूज हो रहा है। तो उसके लिए आपको सिंपली यहां पर सबसे पहले प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और यहां पर मिलता है आपको सेटिंग का ऑप्शन, सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करोगे यहाँ पे मिलता है जनरल का ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे मिलता है प्लेबैक इन फिट्स, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, इसे ऑफ कर देना है। अब जैसे आप इसे ऑफ करोगे, अब यहाँ से हम बैक करके आपको दिखा देते हैं। अब जैसे यहाँ पे बैक करोगे, आप कोई भी वीडियो ऊपर की तरफ स्लाइड करो, यहाँ पर आप देख सकते हो एक भी वीडियो प्ले नहीं होगा, यानी कि क्या होता है, इससे आपका इंटरनेट प्लस फोन की बैटरी दोनों बचती है। जो वीडियो आपको पसंद आएगी आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को प्ले कर ही सकते हैं। तो यहाँ से प्ले करने की क्या जरूरत है, आप ऊपर की तरफ वीडियो सर्च करोगे, यहाँ पे फाइंड करते रहोगे और आपका इंटरनेट एंड बैटरी दोनों यूज होता रहेगा। इससे अच्छा है कि आप उस सेटिंग को यहाँ से बंद कर दो। तो ये पहले नंबर की सेटिंग काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो आपको पहले नंबर की सेटिंग कर लेना है। दूसरे नंबर की सेटिंग है वो भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाता है, उसके लिए आपको सिंपली प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा एंड यहाँ पर आपको मिलता है सेटिंग का ऑप्शन। तो आपको क्या करना है, सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे यहां पर आपको मिलता है डाटा सेविंग मोड, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहां पर आपको मिलता है डाटा सेविंग मोड। यहां पर जैसे आप इसे ऑफ करोगे ना, तो यहां पर नीचे देख सकते हो आपको 4 से 5 सेटिंग डायरेक्टली ऑफ हो जाते हैं। अब जैसे आप इसे डाटा सेविंग मोड ऑन करोगे तो यहां पर 5 सेटिंग ऑटोमेटिकली यहां पर ऑन हो जाते हैं। तो यहां पर यदि आप डाटा सेविंग मोड ऑन रखते हो तो यह क्या करता है, आपके वीडियो क्वालिटी को रिड्यूस कर देता है, यहाँ पर डाउनलोड करते हो डाउनलोड क्वालिटी को रिड्यूस कर देता है एंड आप कोई भी वीडियोस देखते हो ना तो उसे नॉर्मल क्वालिटी में दिखा करके आपका जो इंटरनेट डाटा होता है उसे काफ़ी सेव करता है। तो यहाँ पर ये भी अगर आप इंटरनेट को बचाना चाहते हो तो ये भी आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसे काफ़ी लोग यूज़ नहीं करते, तो डाटा सेविंग मोड को यहाँ से आपको ऑन करके रख देना है, इससे आप अपने मोबाइल के इंटरनेट डाटा को बचा सकते हैं। तो ये आपको दूसरे नंबर के अंदर कर देना है। अब जो थर्ड नंबर का सेटिंग है वो भी आप लोगों को यहीं पे देखने को मिलेगा, तो आपको सिंपली प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको मिलता है ऑटो प्ले, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, सभी के स्मार्टफोन के अंदर ऑन रहता है। अब इसका काम क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि मान लो आप यूट्यूब पर कोई वीडियो देख रहे हो या सॉन्ग सुन रहे हो, उसी टाइम पर आप कोई काम में बिजी हो गए या फिर आप सो गए, तो ऐसे में क्या होता है ना, ये अगर सेटिंग ऑन है तो बाय डिफॉल्ट आपका सभी वीडियो यहाँ पे कंटिन्यू चलते रहता है, यानी कि एक वीडियो खत्म होएगा ऑटोमेटिकली क्या होएगा, नेक्स्ट वीडियो चालू हो जाएगा। अब दूसरा वीडियो खत्म होएगा, तीसरा वीडियो चालू हो जाएगा, तीसरा वीडियो खत्म होएगा, चौथा वीडियो चालू हो जाएगा, यानी कि जब तक आप यहाँ पर फ़ोन की बैटरी खत्म नहीं हो जाती है तब तक ये क्या होएगा, वीडियो कंटिन्यू चलते रहता है। तो इसके लिए आपको क्या करना, सिंपली यहाँ पर ये सेटिंग अगर आपके फ़ोन के अंदर ऑन है तो इसे ऑफ कर देना है। अब जैसे आप इसे
से ऑफ करोगे, जब तक यहाँ पर आप कोई भी वीडियो प्ले होने के बाद बंद होता है, तो जब तक आप नेक्स्ट नहीं करोगे, दूसरा वीडियो प्ले नहीं करोगे, तब तक कोई भी वीडियो प्ले नहीं हो पाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। यदि आप नाइट में फ़ोन यूज़ करते करते गलती से सो जाते हैं, या आप अपने छोटे बच्चे को फ़ोन दिए हैं वो सो जाता है, तो इससे आप अपने फ़ोन की बैटरी एंड इंटरनेट दोनों को बचा सकते हैं। तो ये आपको थर्ड नंबर की सेटिंग भी कर लेना है। अब जो फोर्थ नंबर की सेटिंग है वो भी आपको यहीं पे यूट्यूब के अंदर आपको प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मिलता है वीडियो क्वालिटी प्रेफरेंस। ये क्या होता है, जब भी आप कोई वीडियो के देखते हो ना, उसका सेटिंग होता है। तो यहाँ पर आप बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, हायर पिक्चर्स क्वालिटी पे रहता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, डाटा सेवर पे कर देना है। जैसे कि आप कोई भी वीडियो देख रहे हो तो उसमें ये क्या करेगा, क्वालिटी को रिड्यूस करके आपको आपके इंटरनेट डाटा को काफ़ी बचाता है। यहाँ पर ऐसा भी नहीं कि आपका कोई भी वीडियो रहेगा जो एकदम क्लियरिटी नहीं दिखाएगा, क्लियर दिखेगा बस आपके डाटा को सेव करके, यानी कि वीडियो क्वालिटी को थोड़ा सा रिड्यूस करके आपके इंटरनेट डाटा को बचाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है यदि आप इंटरनेट को लंबे समय तक चलाना चाहते हैं अपने फ़ोन के अंदर। तो ये वाली जो सेटिंग है ये भी आप अपने स्मार्टफोन के अंदर कर सकते हैं, इससे भी आप अपने फ़ोन के इंटरनेट को बचा सकते हैं। नीचे आएंगे यहाँ पर मिलता है क्वालिटी वाईफाई, यानी कि अगर आप वाईफाई के भी इंटरनेट डाटा को बचाना चाहते हो तो यहाँ पर आप डाटा सेवर पे कर सकते हो। तो वाईफाई का रहने दीजिए, वाईफाई का मत करिए, आप सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के इंटरनेट का यहाँ पे कर सकते हैं। अब जो अगले नंबर का सेटिंग है उसके लिए सिंपली आपको यूट्यूब पे इस प्रकार से होल्ड करके रखना है, आई बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आई बटन पे क्लिक कर तो इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको मिलता है बैटरी का ऑप्शन, बैटरी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट आपके फ़ोन के अंदर ऑप्टोमाइज पे क्लिक है तो आपको सिंपली अनरिस्ट्रिक्टेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ से आप काफ़ी अपने फ़ोन की बैटरी को बचा सकते हैं। यह ऑप्टोमाइज वाला जो ऑप्शन रहता है, अगर इस पे क्लिक है तो आपके फोन की बैटरी को बार बार ऑप्टिमाइज करता है, जिससे आपके फोन की बैटरी और भी यूज होती है। एप्लीकेशन आपके फोन की बैटरी को ऑप्टिमाइज करते रहता है, तो यहाँ पे इंटरनेट ज्यादा यूज होता है। एंड उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से बैक कर लेना है। अब जैसे आप यहाँ से बैक करते हैं, यहाँ पे मिलता है मोबाइल डाटा का ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर मिलता है अलाउ डाटा यूजर्स व्हिल डाटा सेवर इज ऑन, यानी कि यहाँ पर उसके ऊपर देखोगे तो आपको मिलता है अलाउ बैकग्राउंड डाटा यूजर्स, तो इसे आपको यहां से ऑफ कर देना है। यानी कि आपके बैकग्राउंड में इंटरनेट डाटा यूज नहीं होना चाहिए यूट्यूब के अंदर। यानी कि आप यूट्यूब को यूज किए, यूज करने के बाद आप अगर यूट्यूब को क्लोज कर देते हो फिर भी आपके इंटरनेट का डाटा जो है वो यूज होते रहता है, तो यहां पर आप ऑफ कर देना ये दोनों सेटिंग, तो आपका इंटरनेट भी बचेगा। तो इस प्रकार से आप अपने यहां पे यूट्यूब को सिर्फ यूज करके क्या कर सकते हो, अपने इंटरनेट डाटा को बचा सकते हो, प्लस आप अपने बैटरी को भी बचा सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना है, ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।